आप भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांसें रोक देने वाला पहला T20 मुकाबला देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट के बाद बांग्लादेश को पहले T20 में भी खदेड़ने के लिए कमर कस चुकी है टीम इंडिया। टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने चुन ली है बल्लेबाजी। गिल और सूर्या ने मैदान में उतरकर मचा दिया तांडव। तो आखिरकार कितना हो गया भारत का स्कोर, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कितने रन बनाकर कप्तान सूर्या ने दिया है, कितने रनों का महत्वपूर्ण योगदान, कौन है सबसे शतक के सबसे करीब, ये सब कुछ हम आपको इस मुकाबले में एक एक लाइव डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और अभिषेक शर्मा में से कौन खतरनाक T20 खिलाड़ी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि बांग्लादेश की पहली चुनौती टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में कितनी दर्दनाक रही, जहां भारत के शेरों ने बांग्लादेश को 280 रनों से कूटकर उन्हें के मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे में बांग्लादेशी टीम T20 सीरीज में चाहती है कि वो टेस्ट मैच का बदला भारत से निकाल पाए, लेकिन उनके लिए ये चुनौती आसान थोड़ी होने वाली है। कोई भी नहीं भूला है कि कैसे सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के तरफ भारत का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, वहीं बांग्लादेश का मनोबल बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में ये T20 सीरीज भी जहां तक एक तरफा ही नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बस थोड़ी देर में इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का बिगुल बजने वाला है। पहला T20 मुकाबला 24 सितंबर को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 26 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का कुल फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है, और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करने लगेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच के हमेशा हमें कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण आप जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर किया जगह, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको कलर्स के रिश्ते सिनेप्लेक्स पर ये चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं, और कप्तान तो एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उपकप्तान बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। जी हां दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल उड़ाते हुए नजर आएंगे, ये दोनों T20 में कितने गेंदबाज, कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्या का साथ निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले T20 में लाजवाब काम किया था, साथ ही वो विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए हमें नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका मिलेगा, हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस्ट बन जाते हैं। छठे पायदान पर कोई बेकरार है, तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है, इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।